तो ये देखिए बिल्कुल लाजवाब बनके हमारी प्याज और बेसन की बिल्कुल खिली खिली सब्जी बनके तैयार हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन और प्याज की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 6 से 7 प्याज लिया है छोटे साइज का, और 6 से 7 हरी मिर्च को 2 भागों हमने काटा है, और बेसन जो है प्याज के आधे से थोड़ी सी कम हमने लिया है, और प्याज को हमने कुछ इस प्रकार से मोटे भागों में काटा है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की रेसिपी में थोड़े मोटे प्याज का इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हम बेसन को पहले रोस्ट करेंगे। तो इसका जो कच्चापन है उसे हम निकाल देंगे रोस्ट करके। आप इसे लगभग 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे इसका रोस्ट करके इसका स्वाद को बढ़ाएंगे, क्योंकि इस बेसन में जो कच्चापन होता है उससे फिर स्वाद इसका अच्छा नहीं होता है। तो हम इसे लगातार इसे चलाते रहेंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इसे छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा रोस्ट हो रहा है। तो आप इसी प्रकार से हल्के हाथों से इसे चलाते रहेंगे लगातार, और लगभग 3 से 4 मिनट में ये फाइनली इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा। तो अब हम इसे, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने निकाल लिया। तो अब फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। उसी फ्राई पैन में हमने तेल डाला है 2 बड़े चम्मच के करीब, और तेल को गर्म करके हम खड़ा जीरा इसमें ऐड करेंगे। खड़ा जीरा ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे जीरे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसे, और जीरा जब रोस्ट हो जाएगा तो हम इसमें प्याज और हरी मिर्च जो हमने काट के रखा था उसे ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसमें यहाँ डाला है, और इसे अच्छे से इसे चलाएंगे। अब इस प्रकार की आप रेसिपी फ्रेंड्स, जब कोई भी सब्जी घर में ना हो तो आप इस प्रकार की सब्जी का ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे चलाते रहेंगे, और बीच से भी जो है इसे कवर करके पकाएंगे, ताकि ये जो है अच्छे से पक सके। तो इसे भी प्याज को भी हम ज़्यादा बिल्कुल रोस्ट नहीं करेंगे, इसका भी केवल कच्चापन हम निकालेंगे। तो इसके लिए भी प्याज को रोस्ट करने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा मीडियम टू हाई पे। तो इसे बीच बीच में इसे कवर करके पकाएंगे। तो फिर से हमने इसे कवर किया है। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये प्याज लगभग ये पक गया है। तो इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितनी हमें प्याज पकानी है। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स नमक ऐड कर लेंगे, और सारे मसाले, मसाले में हमने हल्दी, ये सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया पाउडर, और लास्ट में हम यहाँ पे जलजीरा पाउडर डालेंगे खटास के लिए। क्योंकि आपके पास जलजीरा पाउडर नहीं हो तो आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए अब मसाला हमारा कितना अच्छे से ये भुना रहा है। आपको देख के लग रहा होगा कि मसाला हमारा ये लगभग भुन गया है। तो हम इसी स्टेज पर वो जो बेसन को हमने रोस्ट करके रखा था उसे ऐड करेंगे। बेसन को हमें मात्रा इस प्रकार से रखना है फ्रेंड्स कि जितना हम प्याज लेंगे उसके आधे से थोड़ी सी कम रखेंगे, क्योंकि बेसन जो है केवल प्याज में हमें इसकी कोटिंग होनी चाहिए, बेसन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम इसे बेसन डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट, क्योंकि दोनों तो फ्राई हो ही गया है पहले। तो ये देखिए ये लगभग हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे थोड़ी सी कवर करके 2 मिनट और इसे हल्के आँच में इसे पका लेंगे। तो ये फाइनली हमारा ये देखिए बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स बेसन और प्याज की सब्ज़ी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी
प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें इसका कलर भी आया है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल खिली खिली बनी है ना। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना दानेदार बना है हमारा ये बेसन और प्याज की सब्ज़ी। तो आप भी इस प्रकार की रेसिपी अपने घर पर फ्रेंड ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।